गुरु गोरक्षनाथ घाट पर पानी की व्यवस्था पर बोलते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि गुरु गोरक्षनाथ घाट पर पानी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, जिससे कि वहां पर आने वाले नागरिकों को पानी की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए जल्द ही वहाँ पर हैंडपम्प लगवाया जाएगा और प्रयास रहेगा कि वहाँ पर समरसेबल पंप भी लगवाए जाए, जिससे कि वहाँ पर आने जाने वाले लोगों को पीने का पानी की समस्याओं का सामना न कर ना पड़े। उन्होंने कहा बड़ी संख्या में लोग वहां पर अंत्येष्टि संस्कार में भाग लेने के लिए आते हैं या कोई धार्मिक पर्व होता है, तभी वहां पर लोग भारी मात्रा में पहुंचते हैं, इसलिए प्रयास रहेगा कि जल्दी वहां पर हैंडपंप को लगवाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, जो हम लोग के संज्ञान में लाई गई है कि गुरु गोरखनाथ जो राजघाट का हमारा घाट है वहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग वहाँ पर हैंडपम्प लगवा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि वहाँ समरसेबल भी लगा दें, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को पीने के पानी की कोई भी समस्या ना हो। और कोशिश करते हैं हम लोग हैं कि वहाँ का कोई उचित जगह मिल जाएगी तो हम लोग कोई, क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में लोग अंत्येष्टि संस्कार में प्रतिभाग करने के लिए आते हैं या कोई धार्मिक पर्व होता है तो वहाँ पर आते हैं, तो हम लोग ये भी कोशिश करेंगे अगर वहाँ पर वो उचित स्थान मिलेगा तो हम लोग वहाँ पर वाटर कूलर या मतलब ऐसी चीज़ लगवा दी जाए जिससे कि वहाँ आने वाले जनमानस को ठंडे पानी की जो है आपूर्ति हो सके। गर्मी का मौसम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, पानी की किल्लत निश्चित रूप से कुछ जगहों पे आ रही है, लेकिन नगर निगम प्रशासन जो हमारा जलकल है पूरी तरह से अलर्ट है और जो हम लोगों ने इस बार अपने शहर में कई बड़े वाले जो हैं ट्यूबवेल भी लगवाए हैं और ट्यूबवेल लगवा के कई जगहों पे हम लोग हैंडपम्प भी लगवा रहे हैं। जो पुराने हैंडपम्प हैं उनको रिबोर कराया जा रहा है, अगर जो ट्यूबवेल में जो छोटी मोटी खराबी आ गई है उनको ठीक कराया जा रहा है। इसके साथ भी कुछ जगहों पे पानी की जो तात्कालिक दिक्कतें आ रही हैं उनसे निपटने के लिए जब तक मरम्मत वगैरह नहीं हो जाता है हम पानी के टैंकर के माध्यम से वहाँ पर जलापूर्ति कर रहे हैं। अब देखिए उसको हम लोगों ने पूरी एक लिस्ट बना रखी है और उस पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है उन हैंडपम्पों को हम उसको ठीक करा दें।